अभी हम आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे भाई। अयाज अकबर यूसुफ जई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और कुछ अजीब सा प्रोटेस्ट हो रहा है, खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन से खिलाड़ी हैं और किस अंदाज से प्रोटेस्ट करेंगे अयाज से जानते हैं। अयाज, कुछ विजुअल्स आपने हमें व्हाट्सएप पे भी भेजे थे, मैं देख के जरा परेशान सा हो गया, क्या चल रहा है यहाँ पे? इस वक्त मैं मौजूद हूँ डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद पे और यहाँ पर अपने तौर पर ये अनोखा किस्म के एहतजाज हो रहा है। यहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कफन पहन के वो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथों में बल्ले भी उठाए हुए हैं, क्रिकेट के जो गेयर्स हैं उनके हाथ में हैं। यहाँ पर मसला ये है कि जो इस्लामाबाद के मेयर है शेख अंसर, उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन करने की तैयारी की हुई है और यहाँ पर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर तमाम फजल महमूद क्रिकेट टूर्नामेंट का आज यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैचेस होने थे वो भी मनसूख कर दिए गए हैं और यहाँ पर ये वतीरा बन चुका है क्योंकि पहले ये ग्राउंड CDA के अंडर थे लेकिन मेट्रोपोलिटन जब बनी है तो ये ग्राउंड जो है वो MCA ने टेक ओवर कर लिए हैं इन मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन ने। शेख अंसर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वक्त के उस वक्त के मेयर बने थे, अब यहाँ पर ये बाउंसिंग बॉल बन चुका है। CDA जो है वो कहती है कि ये हमारे पास नहीं है लेकिन MCA जो है वो बजाय इन ग्राउंड्स को बेहतर करने के इनको इस पे कुछ काम करने के यहाँ पर ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। मेरे तरफ यहाँ पर मेरे पीछे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इस्लामाबाद के क्लब्स के क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो यहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं कि इनको बाकी ग्राउंड्स अगर नहीं दे रही हुकूमत तो कम से कम इनके पास जो ग्राउंड्स मौजूद हैं वो तो ना छीने जाए ना कम से कम, तो उसकी भी छीनने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे भाई, इस्लामाबाद के जो क्लब क्रिकेटर्स हैं वो कफन पहनकर एहतजाज कर रहे हैं। दैट इज क्वाइट सैड। होपफुली ये मसला हल हो जल्दी करने की कोशिश की जाए।